नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। रतलामी सेव सुनकर आपके मुंह में भी पानी जरूर आ गया होगा। दरअसल मध्य प्रदेश के मालवा के एक शहर से निकलकर ये सेव प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में आज एक ब्रांड बन गया है। तो आइए जानते हैं कि इसके बनने की शुरुआत कैसे हुई और कैसे यह रतलाम का रतलामी सेव बन गया, जो आज आपको हर घर की पहली पसंद के रूप में मिल जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। रतलामी सेव मालवा के एक शहर से निकलकर देश दुनिया में छाने वाले इस जायके की ब्रांड बनाने की कहानी काफी दिलचस्प है। 200 साल पहले राजस्थान से आए कारीगरों से हुनर सीखकर नए प्रयोग कर यहाँ के कारीगरों ने सेव को रतलामी पहचान दे दी। एक वह दौर था जब लकड़ियां जलाकर कारीगर सेव बनाते थे। खरीदार गमछे या तौलिए में सेव रखकर ले जाते थे। तब ना कागज होते थे, ना आज जैसी आकर्षक पैकिंग। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1886 में तिल्ली के तेल से सेव बनाया जाता था। मसालों की खासियत यह थी कि कपड़े पर तेल का दाग तक नहीं छूटता। आज इसी सेव की रोजाना 10 से 15 टन की खपत होती है। मालवा में तो यह लोगों की भोजन की थाली का आवश्यक हिस्सा बन चुकी है। रतलाम शहर में कई पीढ़ियों से सेव बनाने के काम से जुड़े लादूराम के परिवार के अनुसार रतलामी सेव का इतिहास करीब 200 साल पुराना है। रतलाम शहर की स्थापना के समय राजस्थान से आए कारीगरों ने यहां सबसे पहले सेव बनाना शुरू किया। तब राजस्थान में सेव मूंग दाल के आटे से बनाई जाती थी। रतलाम में चने की उपलब्धता ज्यादा होने पर इसे यहाँ बेसन से बनाया जा। बस यही बात रतलामी सेव के ब्रांड को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण साबित हुई। वक्त बीतने के साथ सेव में नए नए फ्लेवर भी जुड़ते गए। लौंग, हींग, लहसुन, काली मिर्च। शुरुआती दौर में रतलामी सेव का टेस्ट लौंग और स्पाइसी फ्लेवर तक सीमित था, लेकिन आज कई वेराइटीज हैं। इनमें पाइनएप्पल, टमाटर, पालक, लहसुन, पुदीना, पोहा, मैगी से लेकर चॉकलेट फ्लेवर तक शामिल है। नरम खस्ता और कुरकुरा, ये तीन चीज़ें रतलामी सेव को दूसरे सेव से अलग करती हैं। रतलाम शहर में सेव की छोटी बड़ी 500 दुकानें हैं। इस कारोबार से करीब 2000 कर्मचारी और व्यापारियों का घर चलता है। रतलामी सेव और नमकीन को प्रमोट करने के लिए करमदी रोड पर नमकीन क्लस्टर की स्थापना की गई है, जहां सेव नमकीन बनाने की यूनिट लगाना शुरू हो चुकी है। रतलामी सेव के जायके की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी तारीफ कर चुके हैं। टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में भी इसके चर्चे हो चुके हैं। शो के होस्ट अमिताभ बच्चन रतलामी सेव से जुड़ा सवाल पूछ चुके हैं। बता दें, मालवा के लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनके खाने में नमकीन नहीं है तो खाना अधूरा है। यही वजह है कि रतलाम के घर घर में नमकीन हर दिन उपयोग किया जाता है। शादी समारोह और छोटे आयोजनों में तो नमकीन की कई वैरायटी मेहमानों के लिए रखना यहाँ की परंपरा है। रिश्तेदारों और दोस्तों को तोहफे में रतलामी सेव भेजना रतलाम की तहजीब बन चुकी है।